मनेर के मेहदावा में मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब की भूमि पर बने घर से बेघर हो रहे हैं लोग। लोगों से मिलने पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव विनोद सिंह। आपको बता दें कि मेहदावा में 12 बीघे की तालाब पर वर्षों से रह रहे थे सैकड़ों महादलित परिवार, जिन्हें जल जीवन हरियाली योजना के बाद अंचल की ओर से लगभग 70 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया। महादलित परिवारों के समस्याओं को जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव व अन्य जदयू नेताओं ने सुना। जदयू के पूर्व महासचिव विनोद सिंह ने लोगों से कहा था कि मुख्यमंत्री का विकास का जो योजना है हमें सभी वार्डों का पार्टी के तरफ से हुआ है कि क्या क्या समस्या है और लोगों के क्या कठिनाइयाँ, गरीबों को महादलितों को लोग ने बुलाया, यहाँ कुछ समस्या थी। लोगों को आने पर पता चला कि कुछ सरकार का जो गैर मंजूरवा जमीन है वे लोग बसे हुए हैं, इनका रसीद अभी तक काटा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो घर बना हुआ है, अब जो बन गया सरकार ही जमीन दे रहे तो उसका हम निदान करना है। और गरीबों का मांग था कि हम लोग का सर घर टूटेगा, तो ऐसा तो सरकार नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते कि किसी का घर बने गरीबों का वो टूटे, तो उसको निदान करना है। यही हमारी मुख्य प्रमुखता है। और गांव विकास हो, नल जल योजना चल रहा है, सड़क बनाने का है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसी के दौरान आए तो लोगों को गाँव का हुआ कि जी इधर नहीं बना हुआ उधर, तो हम लोग बोले कि वार्ड सदस्य है आपके बनाएंगे सब चीज़, नल योजना भी देखे कि लोग को नहीं लगा हुआ है। ATN Live।